जाटलैंड के सियासी पेज पर सियासत के एक और चौधरी ने एंट्री की पूरी तैयारी कर ली है। शिक्षक पद से इस्तीफा देकर फतेहपुर सीकरी में आम किसान, गरीब मजदूर और वंचितों की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर अब सक्रिय राजनीति में कदम भी रख दिया है, जिससे चौधरी चरण सिंह के सियासी अनुयायियों में एक और चौधरी की एंट्री तय मानी जा रही है। अब उनका ये सफर किसके लिए सियासत की राह में रोड़े अटकाएगा और खुद कितनी दूर सफर तय कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र सियासत के कई चौधरियों की कर्म भूमि रही है। इसी सियासी भूमि पर वोटों की फसल काट कई अपना सिक्का जमा चुके हैं, तो कई चौधरी अपनी चौधराहट की आहट दिखाकर विलुप्त से हो गए हैं। मिनी छिपरौली के उपनाम से मशहूर फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र की सियासी पिच पर अपनी बारी आने का, या यूं कहिए कि खुद अपना रास्ता बनाने के लिए कई चौधरी संघर्ष कर रहे हैं। उनमें भाजपा के कई युवा क्षत्रपों में जैसे चौधरी रामेश्वर सिंह, प्रशांत पौनिया, सोनू चौधरी और मोहन सिंह चाहर के साथ यशपाल चौधरी जैसे नाम शामिल हैं। वहीं तीन विधानसभा चुनावों से अपने लिए वाया फतेहपुर सीकरी क्षेत्र होकर लखनऊ का रास्ता खोज रहे ब्रजेश चाहर भी इस फेहरिस्त में पिछले डेढ़ दशक से शामिल हैं। तमाम युवा क्षत्रप यहां की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाने की जुगत में हैं। उनमें नया नाम जुड़ा है चौधरी मुकेश ठाकुर का, जो शिक्षक राजनीति से इस्तीफा देकर अब सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं। उन्होंने बेसिक अध्यापक पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में आम गरीब, किसान और मजदूरों की लड़ाई का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत भी कर दी है। मुकेश डागुर का ये सफर कितनी दूर तक जाएगा, ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। लेकिन जिस जाटलैंड पर ये तमाम छत्रप अपना सियासी भविष्य तलाश रहे हैं, वहाँ अगर पिछले तीन दशक की बात की जाए तो चौधरी बाबूलाल ने वर्ष 1996 में निर्दलीय चुनाव लड़कर सिर्फ सीकरी ही नहीं बल्कि समूचे यूपी में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उन्हें टक्कर मिली मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर से, जिन्होंने किसानों की राजनीति कर चौधरी बाबूलाल को कड़ी टक्कर दी। वे बाबूलाल को शिकस्त दिलाने में तो कामयाब रहे, लेकिन खुद चुनाव नहीं जीत सके। उनकी इस लड़ाई का फायदा वर्ष 2007 और 2012 में ठाकुर सूरजपाल सिंह हाथी पर सवार होकर उठा ले गए। 2014 में चौधरी बाबूलाल फतेहपुर क्षेत्र से संसद में पहुंचे, तो 2017 में कमल चिन्ह पर दयालबाग के पूर्व विधायक चौधरी उदयवान सिंह विधानसभा में पहुंचे थे और मंत्री भी बने। 2019 लोकसभा चुनाव में राजकुमार चाहर को उनके धैर्य का पुरस्कार मिला। मोदी की जबरदस्त लहर में वे संसद में पहुंचे, तो 2022 विधानसभा इलेक्शन में जीत के लिए भाजपा को एक बार फिर चौधरी बाबूलाल की ओर देखना पड़ा। यानी भाजपा ने हर चुनाव में यहां अपना रथी बदला है और भाजपा का यही चुनावी इतिहास भारतीय जनता पार्टी की पिच पर राजनीति कर रहे युवा छत्रपों की महत्वाकांक्षा जगाने के लिए पर्याप्त है। वर्ष 2027 से पहले 2024 में भी कई दावेदार हैं, लेकिन युवा छत्रपों में लड़ाई 2027 में विधानसभा चुनाव का टिकट पाने की है, क्योंकि तब चौधरी उदयवान सिंह और चौधरी बाबूलाल भाजपा की सक्रिय राजनीति की आयु सीमा को पार कर चुके होंगे। ऐसे में फतेहपुर सीकरी की सियासत का नया चौधरी बनने की रेस बेहद ही दिलचस्प हो जाएगी। बहरहाल मुकेश डांगुर ने फतेहपुर सीकरी की पगडंडियों पर चलकर अपना रास्ता बनाने की घोषणा कर एक नई इबारत लिखने की हुंकार भरी है। उनकी राजनीति फिलहाल किसी राजनीतिक दल की नहीं है। वैसे भाजपा के युवा क्षत्रपों में चुनावी राजनीति के महारथी चौधरी रामेश्वर सिंह का दावा 2024 लोकसभा चुनाव का भी है। वहीं 2027 में चौधरी रामेश्वर सिंह और प्रशांत पौनिया भगवा खेबे की सियासी पिच पर आगामी समय अपने लिए अनुकूल मान रहे हैं। वहीं भाजपा की चुनावी राजनीति की मुख्य धारा से इतर स्वयंसेवक संघ के मुख्य संगठन किसान संघ के सहारे किसानों की लड़ाई लड़ रहे मोहन सिंह चाहर और जिला इकाई के उपाध्यक्ष सोनू चौधरी के साथ ही यशपाल चौधरी की महत्वाकांक्षा भी हिलोरे मार रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। फतेहपुर सीकरी की सियासी पिच पर आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वक्त किस करवट बैठेगा। विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।